हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। जी हां दोस्तों, जीएसटी पर बहुत सारे वीडियोस आप पहले भी देख चुके हैं। ये वीडियो खास इसलिए क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने अभी एक व्हाट्सअप किया मुझे और पूछा है कि और वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा है, और जब वो जीएसटी इनेबल कर रहे हैं, जीएसटी तो इनेबल कर भी दे रहे हैं, वो इनेबल करने के बाद भी जीएसटी अप्लाई नहीं हो रहा है, कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम अक्सर होती है बिगिनर्स के साथ जो लोग शुरुआत में काम करते हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि डेट भी नहीं चेंज हो रही है। तो देखिए, एजुकेशनल मोड अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां डेट नहीं चेंज होगी, ठीक है। अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो टैली का, तो वहां पर आप डेट चेंज कर पाओगे। एजुकेशनल मोड में क्या होगा, एजुकेशनल मोड में 1 तारीख या 2 तारीख वाली डेट चेंज होगी, हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कभी 1 तारीख 2 तारीख वाली डेट चेंज ना हो, 1 तारीख वाली डेट हो फिर 30 या 31 वाली डेट रह जाए। कहते हैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं, प्राइम पर ही यूज करके दिखा देता हूं। ईआरपी 9 में भी सेम ही प्रोसीजर है। प्राइम जो है ईआरपी का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ईआरपी के बाद प्राइम आया टैली प्राइम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको F3 प्रेस करना है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा F3 बटन, आप यहां पर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना कंपनी, यहां पर क्लिक कर देंगे तो भी एक विंडो खुल करके आएगी, और पुरानी कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी पर जाइए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, पुरानी कंपनी हो जाएगी बंद। यहां से हमको नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, माउस से क्लिक कर सकते हैं या नेविगेशन बटन का इस्तेमाल करते हुए यहां आ जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आपको भर दीजिए। कंपनी का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहां कंपनी का नाम डाल देता हूं, द साइन इन कंप्यूटर सेंटर, ये कंपनी का नाम है हमारे। एंटर प्रेस किया, यहां का एड्रेस डाल दीजिए, जैसे मेरा एड्रेस है वो मैं डाल देता हूं, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये डाल दिया हमने। एंटर प्रेस किया और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए यहां आइए। जैसे यहां आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा स्टेट की लिस्ट, ठीक है, आप यू प्रेस कीजिए, आपका जो भी स्टेट हो उसका पहला अक्षर टाइप करेंगे, स्टेट की लिस्ट खोल करके आ जाएगी। बहुत ही आसान है, टैली प्राइम भी सेम ही प्रोसीजर पे काम करेगा। यहां पर आइए, उत्तर प्रदेश कर दीजिए, आपका जो भी स्टेट हो वो डाल सकते हैं, पिन कोड जो मेरा है वो मैं डाल देता हूं, आपका जो भी हो वो डाल सकते हैं, टेलीफोन मोबाइल ये सब डाल सकते हैं। ये देखिए इंडियन करेंसी है, अगर आप कहीं और के हैं तो इसमें कहीं और की करेंसी आएगी, जैसे यूएई की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, या फिर अदर जो सऊदी अरब वगैरह है, तो वहां पर अगर आप रहते हैं तो वहां की करेंसी आएगी, ठीक है, वहां की कंट्री चूज करेंगे, वहां के स्टेट चूज करेंगे तो वहां की करेंसी आ जाएगी। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, काम कब से शुरू होता है वो यहाँ पे डेट दे दीजिए। मान लीजिए कि हम 1 अप्रैल से ही काम कर रहे हैं, तो एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट। अब यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप टैली ईआरपी 9 यूज करते होंगे तो ये विंडो खुल करके नहीं आएगी तुरंत बाद, ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइम यूज करते हैं तो ये विंडो आ जाएगी। अगर आप टैली ईआरपी 9 यूज करते हैं तो इतना करने के बाद आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन हो जाएगी। गेटवे ऑफ टैली पर जा करके कीबोर्ड से F11 की प्रेस करिएगा तो वहां से आप इनेबल कर पाएंगे। वहां पर आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना है, F11 की प्रेस करिए, एक विंडो ओपन होगी, वहां पर स्टेटरी एंड टैक्सेशन में चले जाइएगा और वहां से जीएसटी इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एंटर प्रेस करते हुए आ जाता हूं कहां पे, सीधा टैक्सेशन वाले जो हेडिंग है वहां पर आ जाता हूं, ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन एक्टिवेट है, पहले से यस है, एंटर प्रेस करूंगा, यूपी ही है हमारा स्टेट। अब देखिए 2 टाइप के हैं इसमें, पहले भी मैं बता चुका हूं कंपोजिशन क्या होता है, जो 3 महीने 6 महीने पर ऐसे करके जीएसटी फाइल करते हैं वो कंपोजिशन डीलर होते हैं, और रेगुलर डीलर कौन होते हैं, रेगुलर डीलर वो डीलर होते हैं जो हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं, तो हम रेगुलर ही रखते हैं इसको, ठीक है, आपका जैसा नेचर हो वो रख लीजिएगा। यहां पर 1 अप्रैल 2020 ही रखता हूं, और यहां पर जीएसटीआईएन नंबर जो कि आपके पैन कार्ड से मिलता जुलता एक नंबर होता है उसे आप जरूर लिख लें, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, टैली इसको वेरीफाई करेगा, एंटर प्रेस करेंगे और ईवे बिल अभी मैं नो रखता हूं। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहां पर आ जाइए, यहां पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस रखिए, वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है जैसे कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ, HSN कोड वाला कॉलम एक्टिवेट कर रखा है। अगर आप न एक्टिवेट कर पाए तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है,
कीबोर्ड से प्रेस करना F12 की, ठीक है। तो F12 की प्रेस करते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, और कभी कभी टैक्सेस भी नहीं दिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन होगी, तो HSN कोड अगर रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रखिए। अगर जीएसटी के कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, जैसे कभी कभी ये ऐसे दिखाई पड़ती है विंडो, ठीक है, तो आपको कीबोर्ड से जो है F12 की प्रेस करनी है, और HSN कोड हमें चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे GST के ऑल टाइप्स हमें चाहिए, तो ये Y प्रेस कर दीजिएगा तो ये सारे टैक्सेस शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर आता हूँ, गलती यहीं पर होती है, इसको आप रख लीजिए टैक्सेबल, ठीक है, ये टैक्सेबल रख लिया। अब इंटीग्रेटेड टैक्स, देखिए अगर डिफरेंट स्टेट में अगर आप माल खरीदते या बेचते हैं तो वहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। मैं यहाँ पे 18% बाई डिफॉल्ट जो टैक्स है वो लगा देता हूँ, ठीक है। बाई डिफॉल्ट का मतलब कि अगर आप कुछ भी टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे तो 18% टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ और एंटरप्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, और यहां से कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट भी करा लेता हूँ। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, अब हमें पहली एंट्री पास करनी है। तो पहले आप गलती क्या कर देते हैं, देखिए जिस भी डेट पे आपको एंट्री करनी है, अब देखिए मेरा तो मोड जो है एजुकेशनल है, यहाँ पे देख सकते हैं EDU लिखा हुआ है, ठीक है, तो एजुकेशनल अगर होगा तो उसमें डेट चेंज वाली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एजुकेशनल मोड में। और जो आपका टैली का ओरिजिनल आता है वर्जन, ठीक है, ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो आपका पेड वर्जन आता है, जो एक साल के लिए आपको 16,000 से 17,000 रुपए पेड करके जो एक साल के लिए मिलती है टैली, ठीक है, कस्टमाइज टैली जो मिलती है, उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी डेट चेंज कर पाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं। जैसे F2 डेट चेंज करने की शॉर्टकट की है, तो अगर मैं F2 प्रेस करता हूं यहां पे, तो ये देख सकते हैं यहां पे 2 तारीख आ रहा है। अगर मैं इसको 3 या 5 ऐसे कुछ करने की कोशिश करूं, जैसे 3/5/2020 करने की कोशिश करूं या कुछ ऐसे करने की कोशिश करूं, तो ये नहीं होगा। देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं लेकिन ये ले नहीं रहा है। लेकिन यही अगर 1 तारीख की बात करूं, यहां पहले बाहर आ जाता हूं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए अभी अगर हम बात करें 1 तारीख की, ठीक है, तो यहां पर F2 प्रेस करता हूं, अब देखिए अब यहां पर 1/4/2020 करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये तुरंत ही एक्सेप्ट कर गया, ठीक है, आप देख सकते हैं तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर फिर मैं इसको 31 करता हूं, देखते हैं 31 एक्सेप्ट करता है या नहीं, 31/4/30 अप्रैल कर देता हूं, 30/4/2020, ठीक है, ये किया हमने, तो ये देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 30/31 एक्सेप्ट ही कर जाए, ठीक है, 1 या 2 तारीख आप जनरली इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट चेंज वाली समस्या क्लियर हो गई होगी कि क्यों आती है। चलिए आगे बात करते हैं, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वाउचर्स में। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली टीचर्स इवन कि डायरेक्टली एंट्री पास करना उन्हें सिखा देते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट ध्यान भी नहीं देते हैं। एक्चुअली टीचर करते क्या है, ये देखिए जैसे यहाँ पर आ गए हम, अब हम चलते हैं सीधा कहाँ, परचेज वाउचर में, बिल्कुल सही है, टीचर जो सिखाते हैं बिल्कुल सही सिखाते हैं, बस हमारे समझने का फर्क होता है। अब ये देखिए 1 अप्रैल को ये खरीदारी हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये 2 अप्रैल हो जाए तो यहाँ पे आप कर दीजिए 2/4/2020, तो साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 अप्रैल आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अभी नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर करने के लिए फिर एक बार यहाँ पे मैं करता हूँ 2/4/2020, ठीक है, एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर भी 2 अप्रैल शो होने लगा। टीचर क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे कैश कर देते हैं, कैश यानी हम कैश में परचेजिंग कर रहे हैं। जब कैश में परचेज करेंगे तो अब यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए लोकल की पार्टी है न्यू कॉलोनी देवरिया, ये कर दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहाँ पे मान लीजिए रेगुलर रख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए, यहाँ लिखता हूँ परचेज अकाउंट, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, अब यहाँ पे पी प्रेस करता हूँ तो पी परचेज अकाउंट आ गया, ठीक है, डिस्काउंट नॉट एप्लीकेबल, और GST इस पे एप्लीकेबल नहीं है। पर अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं पाइथन बुक, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे, यूनिट्स बनाना कंपलसरी, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ आइटम, ठीक है, एंटर प्रेस किया, ITEM पूरा नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे पैकेट पैके पीसेस जो भी आपके हों वो यहाँ पे कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर GST एप्लीकेबल ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि 18% के हिसाब से यहाँ पे GST कैलकुलेट ना हो, जो हम रेट दें उस हिसाब से हर एक आइटम पर अलग अलग हो, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर Y प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग से
जीएसटी लगा सकते हैं। मैं लगा के भी दिखा देता हूं, यहां पे पाइथन लिखता हूं और जो इसका एचएसएन कोड हो वो डाल दीजिएगा। मैं फिलहाल डमी एचएसएन कोड डाल रहा हूं। यहां पे दो ऑप्शन आते हैं, मैंने पिछले कई वीडियोस में आइटम रेट के हिसाब से भी सिखाया है और ऑन वैल्यू भी सिखाया है, तो अभी ऑन वैल्यू ही रखते हैं इसको। और यहां पर आप जरूर कर दीजिए टैक्सेबल, ठीक है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। और यहां पर 10% ही टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जावा की बुक पे, अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुड्स रखेंगे सर्विसेज नहीं रखेंगे। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, तो यहाँ पे पाइथन की बुक हो गई और यहाँ पे मान लीजिए कि पाइथन की बुक 600 रुपए की है, ठीक है। एक बुक कितने की है, 600 रुपए की, तो 6 बुक कितने की आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल आ गया। अब यहाँ पर नीचे मान लीजिए कि और भी कोई बुक हमें, और भी कोई स्टॉक आइटम लेना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा बुक, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहाँ पर आगे आइटम कर देंगे और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। और मान लीजिए इस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, गुड्स ही रखेंगे यहाँ पे। अब ये मान लीजिए कि 7 बुक्स हम परचेस कर रहे हैं और एक बुक की कीमत 780 रुपए है, तो ये हमने परचेस कर लिया। अब इस पर टैक्स हमें अप्लाई करना है, तो टैक्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए टैक्सेस के जो भी लेजर्स बनेंगे वो बनेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर पहले लगाता हूं सीजीएसटी, ये बनाया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहां पे डी प्रेस करूंगा तो ये फायदा होगा कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसे हम डाल देंगे और ये जीएसटी ही है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और ये सेंट्रल टैक्स है, ठीक है। राउंडिंग मेथड को आप नॉर्मल रखिए, ठीक है। अब इसका फायदा भी बताता हूँ, यहाँ 3 रख देता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ। अब ये देख सकते हैं यहां पर जीएसटी हमारा कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, सीजीएसटी लगा दिया। अब एसजीएसटी लगाते हैं, कैलकुलेट नहीं हो रहा है, चलिए एसजीएसटी देखते हैं कैलकुलेट होता है या नहीं। एसजीएसटी लगाया हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये भी क्या है, जीएसटी ही है, और यहां पर आ जाएगा स्टेट टैक्स, ठीक है। और ये स्टेट टैक्स करने के बाद इसको भी नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 3 कर देता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ, ठीक है। तो न तो सीजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, ना तो एसजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, भाई कारण क्या है इसके पीछे, इसके पीछे का कारण रीजन जो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो हमने परचेज अकाउंट का लेजर बनाया है इसी में इसके पीछे का कारण छिपा हुआ है। तो अभी इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हमें चलना पड़ेगा परचेज अकाउंट के लेजर में, और लेजर में जाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम यहां पर पहले इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं जो एंट्री हमने पास की है। चलिए अब देख सकते हैं ये 7000 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर है, इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया है। अब बाहर आ जाते हैं, लेजर्स में चलना है हमें, ठीक है। तो जो भी हमने लेजर बनाया होगा उसे हम अल्टर करके देखेंगे, तो चलिए देखते हैं एक बार। ये अल्टर पे चलते हैं और अल्टर पे आने के बाद यहां पर आएंगे लेजर्स पे, ठीक है। तो ये लेजर आ गया, अब लेजर में हमें परचेज अकाउंट का लेजर चेक करना है, ठीक है। यहीं पर गलती होती है, जैसा कि मैंने गलती की है, ठीक है। ये हो गया परचेज अकाउंट और यहां पर आएगा जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्लीकेबल, यहां पर आपको रखना है एप्लीकेबल, ठीक है। और ये एंटरप्रेस करते हुए, ये एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए यहाँ सर्विस। अब बाहर आता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं पुरानी एंट्री पे जो हमने बनाई थी, यही वो एंट्री, एंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ जीएसटी वाले, ये जो परचेज अकाउंट लगा हुआ है ना यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसको अभी कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है, इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे ये परचेज अकाउंट दोबारा से इसको लेके आता हूँ, ये आ गया, ये आए और इन सारे आइटम्स को हमने ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सीजीएसटी। तो जैसे ही सीजीएसटी लगाया तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। अब एसजीएसटी लगा लेता हूँ तो एसजीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ गया। तो परचेज अकाउंट जब आप बनाएंगे या सेल्स अकाउंट, तो उस समय सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सही से सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी कैलकुलेट होकर नहीं आने वाला है जीएसटी, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ये हमने आपको बता दिया। अब ये भी बता देता हूँ कि आईजीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट होता है। जैसे अगर आप एंट्री पास करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक और एंट्री पास करके दिखाता हूँ। यहाँ से वी प्रेस करता हूँ वाउचर्स में जाने के लिए और यहाँ पर 8000 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर और ये 2 अप्रैल की डेट रखता हूँ और यहाँ पे कैश में ही परचेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब टीचर्स आपको सिखाते हैं कि कैश में परचेज कीजिए, तो कैश में परचेज करना गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो आपको उसके पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि परचेज ऑलरेडी कैश में हुआ है, ठीक है। तो उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, ठीक है,
और अब यहां पर आएंगे तो यहां पर वही सामान जो हमने अभी परचेस किया था जावा बुक, तो जावा बुक 7 आइटम है हमारे पास, 2 आइटम हम और परचेस कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 आइटम परचेस कर लिया। अब जावा बुक पर मैं आपको दिखाता हूं फिर से, अगर मैं आईजीएसटी लगाता हूं, यहां पे आईजीएसटी का लेजर बना लेता हूं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, लिखिए आईजीएसटी और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसे डाल दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये देखिए ये आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। और इसको जीएसटी ही है तो जीएसटी कर दिया हमने, और इंटीग्रेटेड टैक्स है तो इंटीग्रेटेड टैक्स कर दिया। नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे 3, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो आईजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है, कारण क्या है? अब आईजीएसटी ना कैलकुलेट होने के पीछे कारण यही है कि आईजीएसटी जब भी लगाएंगे तो डिफरेंट स्टेट के लिए लगाएंगे, सेम स्टेट के लिए नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेट के लिए कैसे यूज होगा, आइए वो भी दिखा देता हूं। यहां पर एक पार्टी का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, अभी तो कैश में सेल कर रहे हैं, यहां पर पार्टी का लेजर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं राम, ठीक है, और ये हमारी कौन सी पार्टी है, क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, ये लगा लिया हमने। ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, तो ये लगा दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और एंटरप्रेस करते हुए फिर यहां पर आइए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये करा लिया एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये करा लिया हमने। अब यहां पर आने के बाद फिर यहां पर एंड ऑफ लिस्ट करता हूं और फिर यहां पे आता हूं आईजीएसटी पर, ठीक है। ये आईजीएसटी है, अभी भी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब चलते हैं क्रेडिटर पार्टी के लेजर में, ठीक है, इसको पहले कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेता हूं। अब चलते हैं क्रेडिटर पार्टी के लेजर में, तो यहाँ पे अल्टर में आइए और क्रेडिटर पार्टी का जो भी हमने लेजर बनाया है उस पे आ जाते हैं। तो राम सी यही था हमारा हमारे क्रेडिटर पार्टी का लेजर, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बात तो सेम स्टेट की हो रही है, तो इस पे आईजीएसटी अप्लाई कैसे होगा, अप्लाई ही नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कर दिया हमने, इंडिया ही रहेगा। एंटरप्रेस करता हूँ, अब इसको एक्सेप्ट कराता हूँ। अब यहां से कोई दूसरी एंट्री बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस बार 9000 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर है, एंटरप्रेस किया और यहां पर राम सी लगा लिया। और ये राम कहां के रहने वाले हैं, देखिए राजस्थान, ठीक है, यहां पर आ गए और यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा लिया। अब यहां पर वही चीज, पाइथन की बुक 6 आइटम है, 7 आइटम और सेल कर देते हैं, ये आ गया यहां पर कॉस्ट, एंटरप्रेस करके यहां पर आ गए और आईजीएसटी का लेजर हमने बनाया था वो लगाया और यहाँ पर आईजीएसटी भी कैलकुलेट होकर आने लगा। अब हमको ये देखना है कि हमारा टैक्स लगा कितना है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं मोर डिटेल्स दिया हुआ है, कर्सर को यहाँ पर रखिए और मोर डिटेल्स पे जाइए। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ जीएसटी टैक्स एनालिसिस आएगा एंड यहाँ पर जाकर के एंटरप्रेस कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं कितना टैक्स लगा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये परसेंट वाइज दिखाए, तो आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% का टैक्स इस पे लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी हद तक जीएसटी की डिटेल क्लियर हो जाएगी और कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी टैली प्राइम में और टैली ERP 9 में भी। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।